15 अगस्त 2019 की रात को दो पुलिस ऑफिसर्स अपना काम खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। वो पहले ही 4 घंटे लेट हो चुके थे, मतलब कि वो 4 घंटे ओवर टाइम करके अपने घर जा रहे थे, और तभी उनको एक इमरजेंसी कॉल आई। और जैसे ही उन्होंने उस इमरजेंसी कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए एक पतले से रोड पर गाड़ी चढ़ाई, चारों तरफ घना अंधेरा ही था और वो गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ सामने से भी एक और गाड़ी आई और इसी गाड़ी का तो ये पुलिस ऑफिसर्स इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ सामने वाली गाड़ी जो अभी अभी आकर रुकी थी उनके सामने, उसमें से एक आदमी उतरा और यहाँ जो पुलिस वाली गाड़ी थी उन दो पुलिस ऑफिसर्स में से एक पुलिस ऑफिसर नीचे उतरा। और इसके बाद जो हुआ वो यकीन मानिए इतना दिल दहला देने वाला था कि इसके लिए स्पेशल एक देश को नया कानून बनाना पड़ा ताकि आगे से फिर कभी ऐसा ना हो। सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस बहुत ही भयानक घटना के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 18 जुलाई 2019 की सुबह सुबह एंड्रयू हार्पर नाम के इस लड़के ने अपने हाथ से एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई थी। वो लेटर सीधा उसने एक लिफाफे के अंदर डाला और साइड में खड़े अपने ही एक दोस्त को दिया और कहा कि जाकर तुम्हारी भाभी को देकर आओ। अब ये भाभी कहां से आ गई? तो असल में एंड्रयू हार्पर का रिलेशनशिप चल रहा था बहुत लंबे टाइम से एक लड़की के साथ, और फाइनली अब 18 जुलाई 2019 को ये दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन शादी से जस्ट पहले एंड्रयू ने वो लेटर लिखा और अपने दोस्त को दिया और कहा कि उसको देकर आओ। वो दोस्त वहां से निकला, तुरंत दूसरे घर में गया जहां पर वो लड़की मौजूद थी जिसके साथ एंड्रयू का रिलेशनशिप चल रहा था। खैर वो लड़की ने लेटर लिया, लेटर खोला, उसे पता चल चुका था कि एंड्रयू ने ही ये लेटर उसे भेजा होगा और उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई थी जिसे पढ़कर उसे कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि ऐसे लेटर्स मिलने की उसे बहुत ज्यादा आदत थी। भाई एंड्रयू के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यकीन मानिए मैंने इसके जैसा पुलिस ऑफिसर नहीं देखा आज तक। ये लड़का ऐसा था, हर टाइम किसी की भी मदद के लिए तैयार, कहीं भी कोई भी दिक्कत होती सबसे पहले मदद करने के लिए यही पहुंचता, ये नहीं देखता कि यहाँ उसकी खुद की भी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन नहीं, ये सीधा अपना तामझाम उठाकर कहीं पर भी मदद करने के लिए पहुंच जाया करता था। दूसरी बात, इसका पुलिस लाइन में करियर बनाने का कोई विचार ही नहीं था, लेकिन विचार तब बन गया जब इसकी हाइट और वेट परफेक्ट थे। जी हाँ, 6.5 फुट लंबा और तकरीबन 125 किलो भारी है, बिल्कुल हट्टा कट्टा एंड्रयू बहुत ही दयालु और बहुत ही हेल्पफुल नेचर का इंसान था। एंड्रयू की अब होने वाली पत्नी जो कि 18 जुलाई 2019 के दिन उनकी शादी होने वाली थी, उसका नाम लिजी था। और लिजी ने बताया कि एंड्रयू हमेशा उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता था। अगर आसपास कोई भी उसे दिख जाए कि कोई लिजी को गलत नजर से देख रहा है या फिर कुछ भी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है तो एंड्रयू सबसे पहले जाकर उसी से अपना हिसाब किताब कर लिया करता था। दूसरी बात, एंड्रयू किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता था। और इसी 2019 की स्टार्टिंग में ही यहां एंड्रयू टिम्स वैली पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। वैसे तो उसे यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए ट्रायल पर रखा गया था, लेकिन इसकी पहले 2 हफ्तों की ट्रायल में ही इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी कि यहाँ एंड्रयू को परमानेंट एक पुलिस ऑफिसर बना दिया गया। और इनफैक्ट यहाँ पर उसके बिहेव का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि जहाँ 2019 की स्टार्टिंग में इसने जॉब शुरू की है अपनी, वहीं इसकी शादी से 2 हफ्तों पहले ही एंड्रयू का प्रमोशन तक हो चुका था। इसे अब रोड पुलिस यूनिट का हेड बना दिया गया था। अब अगर हम देखें तो यहाँ वो एक बड़ा पुलिस ऑफिसर तो बन चुका था, लेकिन उसके बिहेव की वजह से, क्योंकि वो किसी भी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ लिया करता था और उसके अंदर सबसे पहले जाकर कूदता था, तो इसीलिए उसकी जान को भी यहाँ खतरा हो चुका था क्योंकि वो ऐसे ऐसे आसपास के गैंगों से भिड़ चुका था जो उसकी जान के पीछे भी पड़े हुए थे। लेकिन फिर भी यहाँ उसने खुद की कोई केयर नहीं करी और जस्ट अपनी नौकरी करता रहा। दिन आया 15 अगस्त 2019 का। इस दिन भी एंड्रयू ने अपनी नौकरी को अच्छे से संभाला, अपने पूरे दिन का काम किया और फ्रंट लाइन पर खड़े होकर पूरे डिपार्टमेंट को उसने मैनेज किया। सब कुछ यहाँ बढ़िया चला उस दिन। कमाल की बात यहाँ ये थी कि उसकी ड्यूटी के 9 घंटे शाम को 7 बजे खत्म हो रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ एंड्रयू 4 घंटों तक, यानी कि रात के 11 बज चुके थे 15 अगस्त वाले दिन भी, और अभी तक भी अपनी नौकरी पर ही था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो यहाँ डेली ऐसा ही करता था, एक्स्ट्रा ओवर टाइम यहाँ चल रहा था उसका, क्योंकि उसका मानना था कि घर जाकर भी क्या ही करना है, घर जाकर भी सोना ही है, इससे बढ़िया है यहीं पर रहकर अपने दोस्तों का हाथ बटाओ और किसी को जरूरत हो तो उसकी मदद करो। खैर वो भी यहाँ थक चुके थे, 11:15 हो रहे थे यहाँ पर, और एंड्रयू और उसके दूसरे साथी जिसकी शिफ्ट भी अब लगभग खत्म हो ही चुकी थी, उसका नाम शो था। तो एंड्रयू और शो ने दोनों ने अपनी यहाँ गाड़ी उठाई, एक ही गाड़ी के अंदर वो बैठे, वो थी BMW अनमार्क्ड पुलिस व्हीकल, मतलब कि वो गाड़ी तो पुलिस की ही थी लेकिन वो रात को ऑफ ड्यूटी के टाइम पर इस साधन
को एक पुलिस वाले साधन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यानी कि उसकी लाइट्स वगैरह ऑफ रहती और उसका जो बीटी वगैरह था वो भी यहाँ से खुद वो उसकी कमान नहीं भेज सकते थे। तो उन्होंने यहाँ पर जस्ट वो गाड़ी के अंदर बैठे और अपने घर की तरफ निकल लिए। अब ये दोनों तो अपने घर के लिए निकल पड़े, लेकिन तभी यहाँ पास के ही इलाके में एक एडमोर लेन नाम की सड़क जा रही थी एक घर की तरफ, मतलब कि यहाँ घर बहुत दूर दूर थे, बीच में जंगल और गार्डन्स वगैरह थे। तो यहाँ आपको भी पता होगा कि विदेशों में घर बहुत दूर दूर होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ बहुत कम होती है। तो इसलिए यहाँ वो जो घर था और उस घर तक जो सड़क जा रही थी उसे यहाँ एडमोर लेन के नाम से जाना जाता था। खैर यहाँ उस घर के अंदर जो व्यक्ति रहा करता था, रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे और उसने देखा अपने घर की खिड़की से खड़े होकर ऊपर से ही कि सामने से एक ग्रे कलर की गाड़ी उसके ही घर की तरफ आ रही है। अब यहाँ क्योंकि उसका ही घर आसपास मौजूद था तो इस गाड़ी का सवाल ही नहीं था कि कहीं और चली जाए, वो अगर इस रास्ते पर चढ़ी है तो उसके घर पर ही आकर रुकेगी और कहीं तो वो जा ही नहीं सकती थी। तो ये चीज देखकर वो आदमी बहुत परेशान होगा क्योंकि वो इस गाड़ी को पहली बार देख रहा था। अब रात का टाइम था और सामने से गाड़ी में लाइट जल रही थी, हेडलाइट उसकी दोनों जल रही थी, तो इसलिए उस आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा था ये देखना कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन बैठा हुआ है। खैर धीरे धीरे वो गाड़ी उसके घर के पास आई और यहाँ वो आदमी ऊपर से देख ही रहा था और तभी उस गाड़ी के अंदर से तीन आदमी उतरे। तीनों आदमी हट्टे कट्टे थे, अच्छे लंबे थे और तीनों ने ही यहाँ मास्क पहना हुआ था। और ना सिर्फ यहाँ उन्होंने मास्क पहना हुआ था बल्कि उनके हाथों में हथियार भी थे। अब ये चीज़ देखते ही ऊपर मौजूद अकेला व्यक्ति वो डर गया बहुत ज़्यादा, उसने तुरंत यहाँ पर अपना फ़ोन उठाया और सीधा यहाँ 999 जो कि यूके का इमरजेंसी नंबर है, तुरंत वहाँ 999 पर फ़ोन किया। फ़ोन करते ही जो यहाँ पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया तो पूछा कि हाँ हाँ बताओ क्या बीमारी है, तो उस आदमी ने यहाँ समझाया कि मैं घर पर अकेला हूँ, मेरा घर यहाँ एडमोर लेन में एंड में मौजूद है और मेरे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी है, उसके अंदर तीन आदमी मौजूद हैं और तीनों ने ही मास्क लगा रखा है, हथियार उनके पास हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है कि यहां वो मेरी जो क्वाड बाइक है, क्वाड बाइक थी उसके पास और वो घर के नीचे ही खड़ी थी, तो यहाँ उसे लग रहा था कि मेरी जो क्वाड बाइक है ये उसे चोरी करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं यहाँ इस क्वाड बाइक को चोरी नहीं होने दूंगा, ये मुझे बहुत प्यारी है। ये चीजें वो उस पुलिस वाले को उस कॉल पर समझा रहा था। अब पुलिस वाला जो उस कॉल पर था वो समझ चुका था कि ऐसा सा कुछ सीन है यहाँ पर, तो यहाँ उस पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को समझाया कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम शांत रहो, तुम बिल्कुल भी हरकत मत करना, कोई आवाज मत करना, हम तुरंत अभी पुलिस वालों को यहाँ भेज रहे हैं, तुम्हारे जो सबसे पास की PCR होगी वो तुरंत तुम्हारे आ जाएगी। वो बोला कि सर यहाँ जल्दी भेज दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। 2-3 मिनट यहाँ बीत गए, दोनों की कॉल यहाँ चल ही रही थी, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति था वो उससे अब और ज्यादा वेट नहीं हुआ, वो यहाँ पुलिस वाले के साथ लड़ने लग गया कि सर मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा, वो मेरी क्वाड बाइक को लेकर जा रहे हैं पीछे अपनी गाड़ी के बांध कर, उन्होंने एक रस्सी बांधी हुई थी अपनी गाड़ी से और उसी रस्सी से उन्होंने क्वाड बाइक का आगे का हेड बांधा और अपनी गाड़ी पर बांध कर अब उसे मोड़ रहे थे। लेकिन ये चीज ऊपर जो उसका मालिक था वो देख रहा था और पुलिस वाले को बता रहा था, पुलिस वाले उसे बार बार समझा रहे थे कि तू शांत हो जा, तेरी अगर हरकत पता चल गई उनको नीचे, उनके पास हथियार हैं और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर गोलियां चला चलाकर तेरे शरीर की जाली बना दें। तो वो यहां शांत नहीं रहा, उसने कहा सर आप जल्दी से कोई पुलिस वाले को भेजिए, मैं तो नीचे जा रहा हूं इनसे लड़ने के लिए। तो तुरंत उसने हाँ फोन रखा, तुरंत अपने उस फर्स्ट फ्लोर से नीचे की ग्राउंड फ्लोर की तरफ गया और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते उसने मेन गेट को खोला, लेकिन मेन गेट के बाहर तो कोई था ही नहीं क्योंकि वो जो गाड़ी थी ग्रे कलर की, वो गाड़ी और उसकी क्वाड बाइक दोनों यहां से गायब हो चुके थे। वो तीनों आदमी जो भी यहां आए थे वो सिर्फ चोरी के लिए ही आए थे और उनको एक क्वाड बाइक चाहिए थी। वो क्वाड बाइक यहां से लेकर तुरंत उसी एडमोर लेन की तरफ निकल चुके थे। ये एडमोर लेन बहुत ही पतला सा रास्ता था, इतना सा रास्ता कि एक गाड़ी या तो यहां से आ सकती है या फिर जा सकती है, बाकी की सड़क के दोनों तरफ यहां पेड़ और खेती मौजूद थे। खैर यहां वो आदमी वापस अपने घर पर ऊपर आया, उसने वापस अपना मोबाइल उठाया और दोबारा फोन किया पुलिस वालों को और कहा कि सर आपकी पुलिस तो यहां आई नहीं और मेरी क्वाड बाइक यहां से वो लेकर चले गए हैं। पुलिस ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, निकलेंगे तो एडमोर लेन से बाहर उसी रोड पर ही जहां पर हम खड़े हुए हैं, इसके अलावा तो कहीं वो जा ही नहीं सकते, तुम टेंशन मत लो, हम उस गाड़ी वाले को भी झप लेंगे और यहां तुम्हारी क्वाड बाइक भी तुम्हें मिल जाएगी। जिसके बाद यहाँ वो फोन कट हुआ और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद ही यहाँ आसपास के इलाके में पूरे यहाँ वो वायरलेस से सूचना पहुंचा दी गई कि ऐसे ऐसे ग्रे कलर की गाड़ी उस एडमोर लेन से एक क्वाड बाइक को चोरी करके भागी हुई है और जो भी उसके नजदीकी PCR है तुरंत यहाँ पर उस गाड़ी का पीछा करो या फिर उस गाड़ी को जाकर ब्लॉक करो, उनको रोको और यहाँ उन तीनों को गिरफ्तार करो, उसके अंदर तीन व्यक्ति हैं और उनके पास हथियार भी मौजूद हैं, ऐसी सूचना हमें यहाँ मिली है। सब कुछ यहाँ अभी तक सही था। अब ये जो वायरलेस की सूचना थी यहाँ
वो सूचना एंड्रयू और शो, जो कि उसी टाइम पर अपनी गाड़ी लेकर, पुलिस वाली गाड़ी लेकर ही अपने अपने घर जा रहे थे, और उन्होंने अपने वॉकी टॉकी में वो सूचना सुनी। बेशक उनका टाइम यहाँ ड्यूटी का ओवर हो चुका था, बल्कि 4.5 घंटे अब तो यहाँ हो चुके थे, रात के 11:30 बज रहे थे, और उन्होंने ये सूचना फिर भी सुन ली। पहले तो उनका भी मन नहीं था कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं जो आसपास ही यहीं घूम रहे हैं, अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो चले जाएंगे इस सूचना को पाकर, हमारी तो वैसे भी ड्यूटी ओवर हो चुकी है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि किसी को ज़रूरत है उनकी मदद की। अब क्योंकि यहाँ हमारा एंड्रयू, उसको यहाँ हर जगह मदद करनी ही थी, उसका स्वभाव ही ऐसा था, तो उसने यहाँ तुरंत शो को कहा, जो कि इस टाइम पर गाड़ी चला रहा था, और कहा कि यार देखो एक लास्ट छोटी सी कॉल है, इसको और निपटा देते हैं और फिर घर चलते हैं पक्का। यहाँ शो ने एंड्रयू की तरफ देखा और कहा चलो ठीक है, हम ही यहाँ सबसे पास हैं एडमोर लेन के। तो वो तुरंत यहाँ मेन रोड को छोड़कर उसी एडमोर लेन की तरफ टर्न ले गए और अपनी गाड़ी उसी घर की तरफ चलाने लगे जहाँ से वो फ़ोन आया था। अब मैं आपको बता दूँ कि एडमोर लेन तकरीबन 2.25 किलोमीटर लंबी थी, और अब यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर तुरंत अपनी गाड़ी लेकर रात के घने अंधेरे में उस एडमोर लेन की सड़क पर चले जा रहे थे, और चलते 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 यहाँ उन्हें रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ सामने से एक ग्रे रंग की गाड़ी अपनी हाई बीम लाइट करे हुए आए जा रही थी, धीरे धीरे पास आ रही थी। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योंकि ये रोड इतना पतला सा था कि यहाँ या तो एक गाड़ी आ सकती थी या फिर एक जा सकती थी। अब आमने सामने से आ गई हैं तो यहाँ किसी एक को पीछे हटना था या फिर किसी एक को साइड से होकर अपनी गाड़ी को नुकसान पहुँचाते हुए जाना था। लेकिन दोनों ही गाड़ी वाले यहाँ समझदार थे, दोनों ही ऐसा नहीं करना चाहते थे, दोनों ने एक दूसरे के सामने यहाँ रोक ली। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ रोकी तो यहाँ एंड्रयू और शो दोनों ही समझ गए कि ये गाड़ी वही है जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि अभी अभी हमने सूचना वायरलेस पर जो आई थी उसमें सुना था कि एक ग्रे रंग की गाड़ी है और इसके पीछे एक क्वाड बाइक बंधी हुई है जो कि चोरी कर लेके जा रहे हैं। और यहां उन्होंने लाइट मार के देखा, अपनी गाड़ी की हेडलाइट मार के देखा कि इस गाड़ी के अंदर 3 बंदे बैठे हुए हैं, और सूचना में भी यही कहा गया था कि वो 3 बंदे हैं और उन्होंने मास्क पहना हुआ है, और इन तीनों ने भी मास्क पहना हुआ था। तो ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अब श्योर हो चुके थे कि यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें अब उन्हें पकड़ना है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने जैसी ये गाड़ी उठाई थी अपने घर जाने के लिए, तो इन्होंने यहाँ अपनी पुलिस वाली जो ऊपर लाइट्स लगी होती हैं लाल और नीली, उसको ऑफ कर दिया था क्योंकि ये ऑफ ड्यूटी थे और अब ये पुलिस का काम नहीं कर रहे थे, तो ये वो लाइटें अभी तक बंद थी। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि सामने अपराधी खड़े हैं, तो मजबूरी थी उनको वापस अपनी ड्यूटी में आना और अपनी लाइट्स को ऑन करना। अभी तक उनकी लाइट पुलिस वाली ऑफ थी, सामने वाले जो व्यक्ति थे उनको भी अभी तक कोई डर नहीं लग रहा था। तो यहाँ जैसे ही उन्होंने नीचे से बटन दबाया, उनकी जो गाड़ी की लाइट्स थी ऊपर, वो BMW की जो लाइट्स थी यहाँ, वो जलने लगी एकदम से पुलिस वाली। और ये पुलिस वाली लाइट्स देखते ही सामने जो व्यक्ति थे उनके मन में घबराहट हो गई। वो धीरे 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 कर पास आए जा रहे थे और बार बार रास्ता मांग रहे थे अपनी डीपर्स दे देकर गाड़ी के कि साइड हो जाओ, हमें रास्ता दो। बार बार वो हॉर्न बजा रहे थे और किसी तरह से भी वो इस सड़क से बस निकलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ सामने पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। अब शो यहाँ क्योंकि ड्राइविंग कर रहा था, तो यहाँ एंड्रयू ने शो से कहा कि तुम इस गाड़ी के थोड़ा और पास लो, हम जाकर देखते हैं। आप इस पुलिस वाली गाड़ी में लगे हुए डैश कैम की फुटेज भी देख सकते हैं, मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ साथ में, और आप खुद देखिए कि कैसे वो गाड़ी आई और यहाँ उस सड़क पर रुक गई। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि आइड साइड से जाने का रास्ता ही नहीं है। दूसरी बात, अब जैसे ही उन सामने वाले लड़कों को पता लग चुका था कि अंदर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो उनके अंदर खलबली मच गई होगी, वो बहुत ज्यादा घबरा गए होंगे। वैसे ही वो सेट थे, माल पीकर भंड थे, इसलिए यहाँ घबराना उनका बनता भी था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पकड़े गए तो चोरी के साथ साथ माल का और केस लग जाएगा और वो आगे से माल भी नहीं पी पाएंगे। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ उन्होंने अंदर ही एक प्लान बनाया। यहाँ सामने बैठकर दोनों पुलिस वाले देख रहे हैं और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में यहाँ सामने वाली गाड़ी का पिछला दरवाजा एक खुला और उसके अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकला। उस व्यक्ति ने भी मास्क पहना हुआ था, उसके यहाँ साइड में सामान टंगा हुआ था यानी कि बंदूक लगी हुई थी, और तुरंत यहाँ वो उतरा बाहर और उसने बहुत जल्दी में जो पीछे यहाँ उसकी गाड़ी के क्वाड बाइक बंधी हुई थी उस क्वाड बाइक को बहुत जल्दी में खोला और उसे वहीं अलग कर दिया। और इससे पहले कि वो गाड़ी में वापस आकर बैठ पाता, अंदर जो उसके दोनों दोस्त मौजूद थे उन्होंने गाड़ी चला दी। अब आप खुद सोच कर देखिए दोस्ती देखिए उनकी कैसी थी, इसकी वीडियो भी मैं आपको डैश कैम की फुटेज में दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ दोस्ती देखिए कैसी थी। एक व्यक्ति जो यहाँ
पीछे जो स्क्वाड बाइक थी उसको खोलने के लिए उतरा, क्योंकि वो यहाँ स्क्वाड बाइक को यहीं छोड़ना चाह रहे थे, और दूसरी बात थी वो यहाँ से गाड़ी को निकाल सके इजिली। अगर स्क्वाड बाइक पीछे बंदी होगी तो वो अपनी गाड़ी को इजिली नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। तो इसलिए जैसे ही उस लड़के ने स्क्वाड बाइक को खोला और वापिस जाकर अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश करी, उसके दोस्तों ने उसे पहले ही गाड़ी चला दी, और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में ही वो गाड़ी यहाँ साइड से निकल गई और सामने एक व्यक्ति जो था उनका, एक जो दोस्त था तीन में से एक, वो सामने ही रह गया। वो गाड़ी जो थी साइड से निकल गई। अब सोचकर देखिए गाड़ी को कितना नुकसान हुआ होगा, साइड में जाने की जगह नहीं थी, उसको साइड में ऐसे टेढ़ी करके गाड़ी को निकालना पड़ा होगा। खैर कोई बात नहीं, ड्राइवर अच्छा था, निकाल कर ले गया साइड से ही, लेकिन इतनी तेज भी वो नहीं चला सकता था क्योंकि उसका नीचे से गाड़ी का नुकसान अच्छा खासा हो चुका था। गाड़ी चल रही थी लेकिन बहुत दबकर चल रही थी। दूसरी बात, उन तीन में से एक लड़का भी पीछे ही छूट चुका था और सामने यहाँ पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी ही थी। तो तुरंत यहाँ पर शो तो ड्राइविंग कर रहा था, एंड्रयू ने तुरंत यहाँ दरवाजा खोला अपना और तुरंत गाड़ी से निकल कर उस लड़के के पीछे भागने की कोशिश करी, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा फुर्तीला था, वो तुरंत यहाँ एंड्रयू को चकमा देकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। अब आप सोच कर देखिए यहाँ क्या सीन चल रहा था। तुरंत यहाँ एंड्रयू भी अब उस लड़के के पीछे भागा। गाड़ी वो जो ग्रे कलर की थी, यानी कि वो जो चोरों की गाड़ी थी, वो आगे आगे चल रही थी। उसके पीछे एक रस्सी बंधी हुई थी जिसमें अभी तक स्क्वाड बाइक थी, लेकिन अब वो सिर्फ रस्सी बच चुकी थी। तीसरे नंबर पे यहाँ वो लड़का जो कि उस गाड़ी से छूट चुका था। चौथे नंबर पर यहाँ एंड्रयू जो उस लड़के को और बाकी के दोनों लड़कों को गाड़ी समेत पकड़ना चाह रहा था। पांचवा यहाँ शो जो कि पुलिस वालों की गाड़ी में बैठा हुआ था। अब जैसे ही शो ने देखा कि एंड्रयू उस लड़के के पीछे भाग रहा है, तुरंत यहाँ शो ने भी गाड़ी का बैक गियर लगाया और गाड़ी को रिवर्स ही चलाना जरूरी समझा। बात सही भी थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ गाड़ी मोड़ने की जगह भी नहीं थी। चलिए यहाँ जगह बना भी लेते किसी तरह से, तो भी यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता गाड़ी को मोड़ने में, इसलिए यहाँ शो ने गाड़ी को रिवर्स में ही पीछे की तरफ चला दिया। अब वो पीछे 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 जाए जा रहे हैं, एंड्रयू उस लड़के के पीछे दौड़ रहा है, वो लड़का उस गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है, और तभी यहाँ शो ने इतना देखा कि वो लड़का एकदम से कूदा है, कूद कर वो अपनी गाड़ी में जाना चाह रहा था। अब वो गाड़ी में गया या नहीं गया उस टाइम पर शो को पता नहीं चला, लेकिन यहाँ ना सिर्फ वो लड़का बल्कि एंड्रयू भी, जी हाँ एंड्रयू खुद, जो अभी तक शो की आंखों के सामने उस लड़के के पीछे दौड़ रहा था, क्योंकि यहाँ शो भी अपना मुंह पीछे करके गाड़ी चला रहा था, सामने उसका हाथ है, अपना मुंह उसका पीछे, और एंड्रयू को वो देख सकता था पिछले वाले शीशे से। अब जैसे ही उसने देखा कि वो लड़का एकदम से कूदा है, अब वो गाड़ी के अंदर गया नहीं गया ये उसे भी नहीं समझ आया, लेकिन यहाँ एंड्रयू वो खुद गायब हो चुका था। अब एंड्रयू कहाँ गया? एंड्रयू तो उस लड़के को पकड़ रहा था, एंड्रयू खुद कहाँ गया पता ही नहीं चला। खैर यहाँ शो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त कहाँ गया। वो उसको चिंता तो हो रही थी अंदर से, लेकिन अभी फिलहाल उसका पहला काम था इन तीनों को पकड़ना, क्योंकि अब एंड्रयू उसके हाथ से जा चुका था। हो सकता था वो कहीं साइड में गिर गया हो और उसको बाद में वो मदद दे देगा, ऐसा शो ने सोचा। तो उसने यहाँ वॉकी टॉकी से अपने जो एडमोर लेन के बाहर जो मेन रोड पर पुलिस वाले खड़े थे उनको यहाँ सूचित कर दिया कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी है वो बाहर की तरफ ही आ रही है और उसे रोकना है। यहाँ बाहर खड़े पुलिस वाले तैयार थे और तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर तक उस गाड़ी रिवर्स में ही पीछा करने के बाद वो गाड़ी बाहर की तरफ गई, और बाहर जाकर उन लड़कों ने मेन रोड पर देखा कि दो पुलिस की PCRs उनका ही इंतजार कर रही हैं। खैर अब यहां शो भी धीरे धीरे अपनी गाड़ी को रिवर्स में ही पीछे लेकर आया जा रहा था, और आइट साइड अब उसका ध्यान जो था वो मेन एंड्रयू की तरफ शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि ये जो गाड़ी वाले लड़के हैं इनको तो बाहर वो जो उनके साथी पुलिस वाले PCR लेकर खड़े हैं वो पकड़ ही लेंगे, लेकिन एंड्रयू कहाँ गया? उसको शायद हो सकता है उसकी मदद की जरूरत हो, क्या पता वो उनके साथ ही उनकी गाड़ी में ना हो। खैर वो गाड़ी पीछे पीछे धीरे धीरे लेकर आ ही रहा था और उसे एंड्रयू नहीं दिखा। साथ ही उसे यहाँ कुछ चीज़ें सड़क पर पड़ी हुई थी, वो चीज़ें भी नहीं दिखाई दी, और ये सारी की सारी चीज़ें एंड्रयू की ही थी। जी हाँ, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि सड़क पर दूर तक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि एंड्रयू का पर्स, एंड्रयू की जो वेस्ट होती है, जो जैकेट होती है जो पुलिस ऑफिसर्स पहनते हैं वो, साथ ही उसका ID कार्ड, उसका मोबाइल फ़ोन, उसके बेल्ट से निकला हुआ बक्कल तक, सारा कुछ यहाँ सड़क पर अलग अलग दूरी पर पड़ा हुआ था। अब ये चीज़ यहाँ कैसे आई? ये चीज़ बाद में जब पुलिस ऑफिसर्स को मिली तो वो भी हैरान थे। खैर अब यहाँ बाहर सड़क पर मेन रोड पर दो PCRs इंतज़ार कर रही थी उस गाड़ी के आने का। वो गाड़ी सामने से आई और बहुत ज़्यादा ही स्पीड में आई, इतनी स्पीड में कि वो गाड़ी अब मुड़ना चाह रही थी, लेकिन वो मुड़ते मुड़ते थोड़ी सी लड़खड़ा गई। खैर अब वो सक्सेसफुली मुड़ चुकी थी, गाड़ी को झटका लगा एक जोर से, लेकिन वो उसने बाहर मेन रोड पर आते ही अपना एक टर्न घुमाया, स्लिप होते हुए वो मुड़ गई। अब बाहर जो दो PCR खड़ी थी उनमें से एक PCR ने तुरंत अपना गियर लगाया और उस गाड़ी का पीछा करने लगे, लेकिन जो दूसरी PCR थी वो उनका पीछा नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अभी अभी अपने सामने देखा
वो शायद उनको जिंदगी भर याद रहेगा। जी हाँ, उन्होंने अभी अभी एंड्रयू को देखा था। अब यहाँ एंड्रयू कैसे आ गया, तो उसका जवाब हमें यहाँ शुरुआत से थोड़ा सीन देखना पड़ेगा क्या हुआ था। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो लड़का अपना वो क्वाड बाइक अलग करके भागा और एंड्रयू भी उसके पीछे पीछे भागा और पीछे से शो अपना बैक गियर लगा कर ही अपना मुंह पीछे करके और गाड़ी बैक में ही चलाया जा रहा था। और यहाँ तभी उसने शो ने देखा था कि वो लड़का कूद कर अपनी गाड़ी में, अपनी साथियों की गाड़ी में कूदा है। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि वो सक्सेसफुल हो भी चुका था, वो जाकर सीधा अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। लेकिन यहाँ एंड्रयू उस टाइम पर कैसे गायब हो गया था, तो इसका कारण ये कि मानिए बहुत बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि एंड्रयू के साथ क्या हुआ। तो जैसे ही यहाँ वो लड़का कूदा अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठने के लिए, उसे पकड़ने के लिए यहाँ एंड्रयू भी कूद गया। लेकिन यहाँ वो लड़का, उसने तो गाड़ी के ऊपर पकड़ बना ली, पर यहाँ एंड्रयू उस गाड़ी के ऊपर पकड़ नहीं बना पाया। जबकि यहाँ आपको पता ही है उस गाड़ी के पीछे एक रस्सी बंधी हुई थी और उस रस्सी से ही यहाँ वो क्वाड बाइक को खींच कर लेकर जा रहे थे। क्वाड बाइक तो पीछे छोड़ दी थी उन्होंने और वो रस्सी यहाँ बची थी, तो उस रस्सी में ही बेचारे एंड्रयू का पैर उलझ चुका था और वो उस रस्सी से ही बंध चुका था। चाहकर भी वो अपना पैर उस रस्सी से नहीं छुड़वा पा रहा था। अब आप खुद सोच कर देखिए, एक गाड़ी उसे खींचते हुए यहाँ तकरीबन 1.25 किलोमीटर तक लेकर जाने वाली थी, वो भी अपनी पूरी स्पीड में। उसकी स्पीड यहाँ तकरीबन थी 80 से 82 किलोमीटर प्रति घंटे की। दूसरी तरफ पीछे यहाँ शो, जो कि एंड्रयू को ढूंढ रहा था, उसे पता ही नहीं था कि एंड्रयू असल में उन दोनों गाड़ियों के बीच में एक रस्सी से बंधा हुआ सड़क पर घसीटता हुआ उस मेन रोड की तरफ जा रहा है गाड़ी के साथ साथ। अब आप यहाँ सोच कर देखिए बेचारे एंड्रयू के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वो पहले ही एक तो लंबा हट्टा कट्टा भारी भरकम और दूसरा वो उस रस्सी के सहारे घसीटता हुआ जा रहा था। कभी उसका झटका इधर लगता, कभी उसका झटका उधर लगता, कभी वो जाकर सीधा पेड़ों से टकराता, कभी वो जाकर सीधा कांटों में लगता, और फिर भी वो घसीटता ही जा रहा था। और इसी तरह घसीटते हुए वो एंड रोड तक जा पहुंचा, यानी कि मेन रोड तक। और जैसे ही वो गाड़ी अब स्लिप होकर झटके के साथ उस मेन रोड पर मुड़ी, तभी यहाँ उस झटके ने एंड्रयू को वहीं मेन रोड पर किनारे पर ही लाकर पटक दिया था। और इसीलिए यहाँ वो जो दूसरी पीसीआर खड़ी थी, उन्होंने उस गाड़ी का पीछा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने साथी एंड्रयू को यहाँ सड़क के किनारे बहुत ही भयंकर हालातों में पड़े हुए देखा। खैर, उन गाड़ी वालों को आगे जाकर उस पीसीआर ने पकड़ ही लिया और पता चला कि इस गाड़ी के अंदर 3 लड़के शामिल थे। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि ये तीनों ही अभी 18 साल के भी नहीं हुए थे। इनमें से एक तो 18 साल का होने वाला था, जिसका नाम था हेनरी लॉन्ग। 2 की उम्र 17 साल की थी, जिनमें से एक का नाम था एल्बर्ट और दूसरे का नाम था जेसी। कमाल की बात यहाँ यह थी कि ये तीनों ही इतनी छोटी सी उम्र में पुराने पापी बन चुके थे। इनका रिकॉर्ड रहा है अच्छा खासा, इनका पर्चा रहा है पहले किए हुए क्राइम्स का। इन तीनों ने अपने ग्रुप का नाम रखा हुआ था करियर थीव्स, और ये करियर थीव्स मिलकर अपने आप को बहुत प्राउड फील करवाते थे किसी का सामान चोरी करके। इनका काम था दिन में रेकी करना, रात को निकलना, किसी का भी सामान जाकर उठाकर लाना, बेच देना, पैसे कमाना, माल फूकना, दारू पीना, भंड होना और फिर सो जाना, यही इनका काम था। और तीनों इस चीज के अंदर सक्सेसफुल हो भी चुके थे, इन्होंने अपना नाम करियर थीव्स रखा हुआ था। और इन तीनों ने दोपहर में उस एडमोर लेन के अंदर बने हुए घर की रेकी करी थी और वहां देख लिया था कि एक क्वाड बाइक इस घर में मौजूद है। ऑब्वियसली रात को तो ये बाइक यहीं खड़ी होती होगी और इस बाइक को ही आज हम उठाएंगे। और उसे उठाने के लिए तुरंत वो वहां पहुंचे और जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ वहां हुआ। खैर, अब यहाँ एंड्रयू पर वापस चलते हैं। सोच कर देखिए, यहाँ 125 किलो का आदमी एक गाड़ी में रस्सी से बंधते हुए, कभी वो उल्टा हो रहा है, कभी वो सीधा हो रहा है, कभी वो पेड़ों से टकरा रहा है, कभी वो खड्डों में जा रहा है, वो कंक्रीट जो है उसके शरीर को घिसे जा रहा है, और वो भी 82-83 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वो चाहकर भी उस रस्सी से अपने पैर को नहीं छुड़वा पा रहा था और तकरीबन 1.25 किलोमीटर तक वो रस्सी उसे घसीटते हुए लेकर गई। और एंड में ले जाकर उस झटके ने यहाँ एंड्रयू को वहीं छोड़ दिया। असल में यहाँ वो जो तीसरा लड़का उस गाड़ी से उतरकर क्वाड बाइक को खोलने के लिए गया था, मतलब जब उन्होंने पुलिस वालों को देख लिया था, उसका नाम था जेसी। और उसी ने यहाँ बताया कि वो खुद यहाँ हैरान था कि असल में यहाँ एकदम से एंड्रयू, जो अभी तक उसका पीछा कर रहा था, वो एकदम से गायब कहाँ हो गया। अब ये तीनों भोले बनने स्टार्ट हुए।
इन तीनों ने कहा कि हम पूरे रास्ते में हमें सिर्फ ये लग रहा था कि एंड्रयू भी उस गाड़ी के अंदर वापस जाकर बैठ चुका है और ये गाड़ी रिवर्स होकर ही मतलब कि उल्टी दिशा में ही हमारा पीछा कर रही है। हमें नहीं पता था कि यहाँ एंड्रयू और कहीं नहीं बल्कि हमारी रस्सी में उलझ चुका है और उसे हम घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। अब आप खुद सोच कर देखें यहाँ और मुझे बताइए कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी के पीछे तकरीबन 1.25 क्विंटल की कोई चीज मैं बांध दूं और आप उस 1.25 क्विंटल की चीज को खींचते हुए लेकर जा रहे हो और वो चीज कभी यहाँ इधर लुढ़क रही है, कभी उधर लुढ़क रही है, आवाजें कर रही है, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी के पीछे कुछ चीज बंधी हुई है और आप उसे खींचकर यहाँ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल बकवास कर रहे थे तीनों और यहाँ कसमें खाए जा रहे थे कि हमें नहीं पता था कि एंड्रयू यहाँ हमारी रस्सी में उलझ चुका है। फिर जैसे ही यहाँ जो दूसरी पीसीआर वाले पुलिस ऑफिसर वहाँ मेन रोड पर खड़े थे और उन्होंने एंड्रयू को देखा था पहली बार, उनको लग ही नहीं रहा था कि ये पीछे कोई इंसान बंधा हुआ है, उनको लग रहा था कोई जानवर है। खून तो यहाँ उन्हें दिख रहा था और बहुत लंबे से दिख रहा था, बट यहाँ उन्हें ये नहीं लग रहा था कि ये कोई इंसान है। खैर वो उस चीज के पास गए जिसे वो अभी तक कोई जानवर मान रहे थे और जाकर उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि ये तो उनका ही कलीग एंड्रयू है और उसका शरीर यहाँ इतना छलनी हो चुका था कि वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। सिर्फ उसकी हाइट और बॉडी को देखकर वो लोग पहचान रहे थे। तुरंत यहाँ उसको बचाने की कोशिश की गई, उसको यहाँ फर्स्ट एड भी दी गई जो कि यहाँ उनकी पीसीआर में रखी हुई थी। तुरंत यहाँ एम्बुलेंस बुलाई गई और एम्बुलेंस में बैठा कर यहाँ एंड्रयू को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रात के 11:50 पर एंड्रयू इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। सोचकर देखे बेचारा पुलिस ऑफिसर जिसकी ड्यूटी यहाँ 7 बजे ख़त्म हो जा रही थी और वो तो यहाँ अपने ही टीम का हाथ बटाने के लिए, उनको थोड़ी मदद करने के लिए बेचारा यहाँ रुका हुआ था। 11:15 बजे के आसपास घर के लिए निकला और तभी एक कॉल आ गई और उस कॉल को अटेंड करने के लिए अपना फ़र्ज़ निभाते हुए वो यहाँ गया और वापस उसकी लाश ही आई। खैर यहाँ एंड्रयू के मरने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही यहाँ तीनों लड़कों को पकड़ लिया गया था और इनका ट्रायल स्टार्ट किया गया। अपने पूरे ट्रायल में तीनों एक ही कहानी बताते रहे कि इन्हें नहीं पता था कि एंड्रयू उनके गाड़ी में पीछे रस्सी से बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ होता और उन्हें पता होता तो यहाँ वो गाड़ी को रोक देते। इतने भले थे ये, अपने आप को इतना भला बता रहे थे, अगर उनको पता होता कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पीछे बंधा हुआ है तो वो रोक देते गाड़ी को। क्या आपको लगता है कि वो सच में रोकते? एंड्रयू की चोटें यहाँ कितनी गहरी थी कि यहाँ पुलिस ने एक सीन का रिक्रिएशन किया। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल वही सेम दोनों गाड़ियों का इस्तेमाल किया और अब की बार पीछे एक रस्सी बांधी गई, लेकिन असली इंसान की जगह एक एंड्रयू के शरीर जैसा ही डमी उस रस्सी के साथ बांधा गया। और जैसे ही यहाँ वो रस्सी के साथ डमी को बांधा गया, वो डमी बार बार इधर लुढ़क रहा है, कभी उधर लुढ़क रहा है, कांटों में जा रहा है, जो आसपास फेंसिस लगी हुई थी, कांटीली तारे लगी हुई थी उनमें जाकर लग रहा है, नीचे सड़क उसको घसीटते हुए लेकर जा रही है, खड्डों में वो अपना मुंह मार रहा है बार बार, बचने के कोई चांस ही नहीं थे। अब डमी का यह हाल हो सकता है तो सोच कर देखिए एक इंसान का कितना बुरा हाल हुआ होगा। जब सुबह इस रोड की जांच की गई तो पुलिस को यहाँ तकरीबन 2.25 किलोमीटर के रोड पर दोनों साइड खून ही खून दिखा। पेड़ों पर लगा हुआ था, कटीली तारों पर लगा हुआ था, सड़क पर पड़ा था, आसपास जो झाड़ फूस पड़े थे उनके अंदर एंड्रयू का खून दोनों तरफ पड़ा हुआ था। सोच कर देखिए बेचारे ने कितनी भयंकर मौत झेली होगी। इस ट्रायल के बाद जब इन्हें कोर्ट में खड़ा होकर इनकी सजा सुनाई गई तो ये बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। जी हाँ, इनके ऊपर मर्डर का नहीं लेकिन मैनस्लॉटर के चार्जेस लग चुके थे। उसमें भी सजा कोई कम नहीं होती, मर्डर के बराबर ही होती है। बट यहाँ जैसे इनको पता चला कि इनके ऊपर मैनस्लॉटर के चार्जेस लगे हैं, ये तीनों लड़के हवा में हाथ उछाल उछाल कर अपनी खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे कि इन्हें कोई वीरता का पुरस्कार दे दिया गया हो। जब भी इन्हें पेशी पर लेकर आया जाता तो ये हमेशा मीडिया के कैमरे के आगे हंसते हुए नजर आते। आप खुद इनकी फुटेज देखिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ लेसी जो कि एंड्रयू की पत्नी थी वो दो तरह से टूट गई। ना सिर्फ उसके यहाँ पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे बल्कि यहाँ उनके पति के हत्यारों को उम्र कैद की सजा नहीं हुई बल्कि उन्हें यहाँ 30 सालों की सजा सुनाई गई। ये बात सुनकर लेसी और ज्यादा अपसेट हो गई तो यहाँ उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया एक नया कानून बनवाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति क्राइम कर रहा है और क्राइम करते करते उसके हाथ से कोई इमरजेंसी वर्कर मर जाता है तो उसे बिना पूछे बिना कुछ तहकीकात किए उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। और यहाँ तकरीबन 3 सालों बाद अब यहाँ 2022 में ही यहाँ यूनाइटेड किंगडम में ये कानून पास हो चुका है और इस कानून को आज हम
हार्पर्स लॉ के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ एंड्रयू का पूरा नाम एंड्रयू हार्पर था। इस कानून के तहत देश में अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम कर रहा है और उस क्राइम करते हुए किसी इमरजेंसी वर्कर को, चाहे वो पुलिस वाला हो, फायर ब्रिगेड वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो जो कि सेवाओं में शामिल है, और उस व्यक्ति का यहाँ कत्ल हो जाता है, मर जाता है वो किसी भी तरह से, तो यहाँ वो क्रिमिनल जो कि क्राइम कर रहा था जिसकी वजह से वो मरा है, उसके ऊपर यहाँ सीधा मर्डर का चार्ज लगेगा और उसे सीधा यहाँ लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाएगी। देश के अंदर कानून बदला गया इन तीन लड़कों की वजह से। ये कहानी थी एंड्रयू हार्पर की। यकीन मानिए बहुत बहुत ज़्यादा दुख भरी लगी मुझे ये, क्योंकि बेचारे की 18 जुलाई को शादी हुई थी और 15 अगस्त को उसकी मौत भी हो गई। खैर, इस कहानी के सोर्स लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाकर इस कहानी की और ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है डिटेल में बताने की, लेकिन अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे बात करनी हो या फिर इसी तरह की कहानियां छोटे फॉर्मेट में रील्स में देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आकर देख सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट प्रीति कुमारी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।